कहां रही हो? माइक मेरे पास है, क्या करोगी बताओ? दोनों की दोनों बहुत खुश रही हो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो दौड़ी भागी चली आ रही हूँ। काय जी जी बता दे काय खुश है तो? पता है मैं क्यों खुश हूँ? हाँ? मैं महारानी कौशल्या जी की यहाँ से आ रही हूँ। तो रोज आती हूँ। हाँ लेकिन आज बहुत खुश होके आई हूँ। क्या हुआ ये बताओ? वहाँ पता है महारानी की एक पुत्र हुआ है। कौन सी महारानी की? कौशल्या जी की। अच्छा, ये कहाँ से आई है? वो महारानी कैकेयी जी के यहाँ से। वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी एक पुत्र हुआ है। बस हाँ, महारानी सुमित्रा जी के महल से आ रही हूँ। तो दो पुत्र हुए एक साथ। सही में छुटकू बड़कू? अरे वाह, क्यों नहीं खुशखबरी महाराज को सुनाती हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। चलो चलो दरबार में आ गई। दरबार में चलते चलते आ भी गई। उले उले ले ले उले उले आई उले। सीधे दरबार में चलती है, ये कोई ऐसे वैसी खड़ा है। आई रह गई नथु गए। हाँ इसको हटाओ। चलो अच्छा पाठ बोलो जो पाठ तुम्हारा है, और कुछ ना बोलो। ठीक इधर आओ आगे। YouTube चल रहा है। अरे तुम्हारे दरबार में खड़े हैं, कुछ बोलोगे? हाँ अभी तक पता नहीं रहा है। सुनो समझ लिया। तुम कौन हो? हम दासियां हैं महारानी की। महारानी की दासी? हाँ। तुम दासी हो? हाँ। कैसी कैसी? मुर्रा भैंसी जैसी। अच्छा और है? तुम कौन हो? अरे दासी हैं, बता दिया आपसे, दासियां हैं हम। तुम दासी? हाँ। तदूरी रहो, हमें महाराज के दरबार में जाना है। ऐसे कैसे जाओगी? अरे पुत्रों का जन्म हुआ है। पैरों से जाएंगे? पैरों से जाओगी? अच्छा तुम दासी हो? हाँ मैं भी महाराज का खासम का दास हूँ। दास हो? हाँ। तो महाराज के दरबार में जाना चाहती है, महाराज से सूचना दीजिए कि दासी आना चाहती है आपके दरबार में। पुत्र हुए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार। इतनी जबरदस्ती क्या है? अरे खुशखबरी है महाराज को सुनानी है हमको। जबरदस्ती क्या है? अरे सुनो खुशखबरी सुनानी है महाराज की, इसलिए जल्दी है। कौन सी? अरे पुत्रों का जन्म हुआ है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार। तोर दिमाग खराब है? हाँ। तीन रानियां चार ठलौंडा कैसी? अरे सुनो महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, और महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, महारानी सुमित्रा जी ने दो पुत्र को जन्म दिया है। बड़ी खुशी की बात है। तोर दिमाग खराब है? हाँ। एक दुई तीन, तीन रानियां चार ठलौंडा कैसे? मैंने बताया क्या है आपको? मैंने बताया कि महारानी कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, और सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। हो गए चार? हो गए हो गया पाठ। महाराज को बता दो दरबार में जाना चाहते हैं हम। बड़ी खुशी की बात है, इसलिए हम उचक उचक के नाच रहे हैं। जाओ अगर कहूं पुष्पेंद्र डांसर मिल जाए वो एक ही भमुए बना दे। अरे सुनो जाइए महाराज के पास, जल्दी जाइए, फिर हमें नाचना है गाना है बधाई लेना है। अभी बड़ी खुशी की बात है, महाराज के दरबार में जाइए। आप नहीं जाएंगे हम सीधे चली जाएंगे, फिर न कहना। जा जल्दी। रुक जाए, लुफड़ाए ना करे। मोर भाऊ में पतेल दी नहीं। जाओ आओ महाराज की चुरकी से देखा। सुन लो क्या खबर लेकर आए हो? आई है मसगाए की लुफड़ाए। क्या तुम विवेक सुन हो क्या? महाराज दासी आई है। ऐसा कहो अयोध्या दरबार है,
अयोध्या के तुम मंत्री हो, हाँ तो ऐसा नहीं कि किसी अन्य गांव का नाम लिया जाए, जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर ध्यान दो, जाओ उन दासियों को हमेशा हमारे दरबार में बांधी आती नहीं है, पर आज दासियाँ आई हैं, जाओ उन दासियों को दरबार में आदर पूर्वक सम्मान से लेकर आओ। कुछ नया सामान इनके पास, आओ जा महाराज, आइए चलिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, सर का ताज चमकता रहे, गद्दी आबाद रहे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। प्रिय दासियों, बड़े दिनों के बाद आज इन कानों में ये खबर सुनने को मिल रही है, बधाई शब्द जिसे सुनने के लिए हमारे कान लड़ाते रहे, जानना चाहते हैं किस बात की बधाई लेकर आई हो। सेवक के द्वारा कोई दिक्कत नहीं हुई तुम्हें? हमारे सेवक के द्वारा नहीं, नहीं नहीं, सेवक के द्वारा दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए झुन्न है, झुन्न नहीं है, झुन्न है तो क्या दिक्कत हुई? खबर यह सुनाइए। चलो महाराज। ओ चक्रवर्ती महाराज जल को आई सुनाने खबरिया, पैदा हो गए समरिया, समरिया पैदा हो गए जो कहीं चाहे छला, इनकी गालों का नमक जो कहीं चाहे छला, दम भी लगने लगे हीरे मोती में बिके, दम भी लगने लगे हीरे मोती में बिके, वो तीखे नैना लाल गुलाबी मधुबर अखियां ओठ सबाबी, मधुबर अखियां ओठ सबाबी, चक्रवर्ती कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, महारानी कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, महारानी सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। प्रिय दासियों, आज तुम्हारे द्वारा हमें ये ज्ञात हो गया, राजमहलों में पुत्रों का जन्म हुआ है, क्यों नहीं इसे सुनकर हृदय हमारा कृतज्ञ हो गया, तभी तो कहना पड़ा कहे बुलाओ बजाओ बाजा, जाओ उत्सव मनाओ, गीत गाओ सोहर गाओ। ठीक है, और ध्यान दें, आप लोग समझदार हैं, बड़ी अच्छी समाज है, जब किसी के घर में पुत्रों का जन्म हो जाता है तो हमारी माताएं बहनें एवं भाई बंद सभी लोग पुत्रों की निछावरी करते हैं। तो आज ये आपका गांव अमर पुराना होकर के ये अयोध्या है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का जन्म हो गया है, तो सभी भक्तगण हमारे प्रधान जी अपनी टीम को सभी कहें और माताएं बहने से भी कि निछावरी अवश्य भेजें पुत्रों की, और लीजिए बधाई गीत सुने। हो देखो देखो We'll be right back.
साहिल जी के तरफ से 21 रुपए ये पुत्रों की निछावरी भेजी गई है। ए सखी, इसी प्रकार से सभी लोग भेजी निछावरी हमारी माताएं बहने और भाई बहन सभी लोग तो निछावरी देंगी। तो संगत करते हैं, बहुत ही अच्छा वादन करते हैं हमारे श्री प्रिंस जी, जो कि आप ही के ग्राम के हैं और बहुत दूर दूर तक आपने नाम रोशन किया है। आप भी उभरते हुए स्टार हैं, आप हृदय से साधुवाद है। लेकिन अभी आप लोगों ने सुना कि नगाड़े की बात आई और देखिए बड़े अच्छे संस्कार हैं। का नाम बउआ अब है और देखिए अभय जी की तरफ से भी 10 रुपए से पुत्रों की निछावरी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और नगाड़ा किस प्रकार से बजता है? लेकिन नगाड़ा बजता है लकड़ी से, चोप से। लेकिन हमारे प्रिंस जी अपने हाथों से, उंगलियों से किस प्रकार से नगाड़ा बजाएंगे? और हमारे राघवेंद्र जी 21 रुपए से निछावरी कर रहे हैं। और हमारे प्रधान जी कहाँ गए? बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। हो कितनी जोड़ी नगाड़ा बाजे, कितनी जोड़ी सहनाई हो, कितनी जोड़ी सहनाई हो, आज अंगना में बजत बधाई हो। और संकोच न करें माताएं बहने भी पीछे से निछावरी भिजवाएं, और भाई बंधु भी, क्योंकि खुशी का माहौल है, ये भगवान का जन्म हुआ है। हो सोना जोड़ी नगाड़ा बाजे, सोला जोड़ी नगाड़ा बाजे, बारा जोड़ी सहनाई हो, बारा जोड़ी सहनाई हो, आज अंगना में बजत बधाई हो। होगा तोर पाठ होगा। अब इनका होम दे थोड़ी थोड़ी, हाँ वह धरो लगाए, बढ़िया वाला गाना में लगा वो वाला। कौन मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरी, और लीजिए मैं नागिन तू सफेरी।